हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास फिफ्थ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंटीजर्स। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव, लाइक -2, -1, -3, कुछ भी हो सकते हैं। माइनस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और हमारे जो इंटीजर्स हो सकता है वो 0 भी हो सकता है। तो हमारे इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स। पहले मैं आपको साइन के बारे में समझा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। प्लस प्लस होता है हमारा प्लस, माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, एंड माइनस प्लस इज ऑल्सो माइनस। आपको इनको ध्यान रखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस प्लस माइनस। सेम साइन होंगे तो ऐड होंगे। इधर देखिए माइनस माइनस ऐड हो रहा है, और डिफरेंट साइन होंगे तो डिफरेंस हो गया, मतलब माइनस करेंगे। ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो यू हैव टू लर्न इट, इम्पोर्टेंट। नाउ क्वेश्चंस करते हैं। आ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 प्लस माइनस 2। तो उसको हम कैसे करेंगे? फर्स्टली इक्वल टू लगाना है, 4 प्लस माइनस 2। तो पहले हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, तो 4 प्लस माइनस, यू कैन सी हियर, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस, व्हाट इज लेफ्ट, 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अंडरस्टैंड? मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। 4 को हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो हमने इसको माइनस किया है। 2 को हमने ऐसे लिख दिया, तो ब्रैकेट को हमने हटा दिया है, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 इज़ 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। इट इज़ वेरी इजी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, -2 को हम ऐसे ही रखेंगे, आगे वाला नंबर हमें ऐसे ही रखना है, प्लस माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस था, माइनस हो जाएगा, और 3, -2, प्लस माइनस माइनस, 3, माइनस माइनस, नाउ सी हेयर, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करना है, 2 एंड 3, 5, साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज हमें बड़ा वाला नंबर का साइन देखना है, बड़ा नंबर 3 है, 3 के साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 8 माइनस प्लस 2। तो ब्रैकेट ओपन करना है पहले, 8 माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस माइनस, तो बीच में क्या हो जाएगा सॉल्व करके, माइनस 8 प्लस, माइनस प्लस इज -2, 8 में से 2 माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारा 6, तो आंसर हो जाएगा 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। नाउ मोर क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, -12 प्लस 2 -3। तो इसमें हमने सिर्फ 2 नंबर्स लिए थे, और इसमें मैंने 3 नंबर वाला क्वेश्चन डाला है अब की बार, तो -12 प्लस 2 -3, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें पहले हम 2 नंबर को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो 10, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है, तो बड़े का ही साइन आता है। बचा क्या है, -3, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब हमारा आया माइनस माइनस, सो माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, 10 एंड 3 इज 13, एंड साइन बड़ा नंबर मींस माइनस का साइन आएगा, तो 13, तो माइनस 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार और समझा देती हूँ। -12 और +2 को हमने पहले एक साथ सॉल्व कर लिया है, ये हो जाएगा हमारा -10, फिर हमने -3 को ऐसे ही कॉपी कर लिया है, फिर -10 -3, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 एंड 3 हो जाएगा 13, और साइन माइनस का, तो आंसर हो जाएगा -13।
Now next question is -10, -4 and -2. इसमें भी हमारा कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. माइनस माइनस प्लस, 10 एंड 4 को प्लस करेंगे तो 14. साइन बड़ा नंबर मींस माइनस का बचा क्या है, -2. तो -2 को कॉपी कर लेंगे. फिर दोबारा से माइनस माइनस प्लस, तो इनके हम प्लस करेंगे 14 और 2 को 16. साइन किसका आएगा, माइनस का. तो -16 इज आर आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 प्लस -2 प्लस 2. तो पहले हम दो नंबर को सॉल्व करेंगे, लास्ट में इस नंबर को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले. 13 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2. ओके 13 माइनस 2 मीन्स इसके आगे क्या है, प्लस. जिसके नंबर के आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे होता है प्लस. प्लस माइनस माइनस, 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11. साइन इस बार हमारा क्या कौन सा आएगा, प्लस का आएगा. मीन्स कुछ भी साइन नहीं लगाना है. प्लस 2. नाउ प्लस 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 करेंगे, 11 एंड 2 इज 13. तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 13. चिल्ड्रन आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस नंबर के आगे कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब उस नंबर के आगे प्लस लगा है. तो जैसे कि यहाँ पे 13 है तो 13 के आगे प्लस लगा हुआ है. तो ये था हमारा इंटीजर्स की वीडियो. समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.